बागपत जनपद के बिनोली थाना क्षेत्र के ग्रामीणों एक सरकारी डॉक्टर की ऑडियो वायरल बोल रहे हैं। मासी डॉक्टर की प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से मेरी शिकायत करो, जाकर मुझे नौकरी से सस्पेंड करवा दीजिए। दरअसल पूरा मामला थाना बिनोली क्षेत्र के जिवना गुलियाण का पूरा मामला है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार राज्य में आई है तो सरकार ने गोवंश के लिए सरकारी डॉक्टरों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, मगर बागपत जनपद में आदेशों को यहाँ के पशु चिकित्सक ही मानने को तैयार नहीं है। निवेदन करते हैं कि कल हमारे रंगछाड़ गांव में थाना बिनोली जिला बागपत में एक गाय अचानक से घायल अवस्था में मिली, तो हमने देखने के बाद अपने पशु चिकित्सालय में फ़ोन किया, जहां पर डॉक्टर सुनील कुमार जो है पशु चिकित्सा का कार्य करते हैं, और पशु चिकित्सक सुनील कुमार ने फ़ोन उठाया तो हमने कहा डॉक्टर साहब आइए गाय को देखिए, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरी 1,500 रुपये फीस है, मैं किसी गाय वाय को नहीं देखता और मैं इस नौकरी से तंग आ चुका हूँ, और मैं जो है मोदी जी को बताओ आप या योगी जी को बताओ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और मैं गाय देखने आऊँगा, मैं किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझे गाय देखने के लिए बुला ले, हमारे यहाँ जो है बिल्कुल नहीं आए डॉक्टर साहब, और हमें गंदी गालियाँ दी, और हमारे पास उसकी वीडियो टेप रिकॉर्डिंग भी है, कॉल रिकॉर्डिंग की, और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री आप अहमदिया टिप्पणी की है, और उसमें बहुत ही गंदी जो आप वीडियो टेप में सुन कर जो है दंग रह जाएंगे। तत्काल डॉक्टर साहब के खिलाफ हम उम्मीद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के तुरंत कार्रवाई के आदेश करें, इसके खिलाफ सस्पेंड के ऐसे लोगों को नौकरी से निकाला जाए, और डीएम महोदय से भी दरख्वास्त करते हैं कि डीएम महोदय भी तुरंत इसमें एक्शन लें, और डॉक्टर को जो है नौकरी से निकाला जाए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। धन्यवाद। दूसरा अध्यक्ष अधिकारी जो है इसकी जनता के साथ में व्यवहार गलत बोला, उल्टा सीधा बोला, उसके बारे में क्या कह रहे थे? नहीं, हमने आपके ये वीडियो देख लिया जो वायरल हो रहा था, उसमें पशु चिकित्सा अधिकारी जो जीवाना गुलियान के थे, उन्होंने सरकारी कार्य भी ठीक से ना करके और लोगों के साथ मिसबिहेव किया, तो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को इसके संबंध में बोला जाएगा कि इस पर कार्रवाई करें, कि इस तरह से क्योंकि हम लोग जो भी हैं सब सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, तो सरकार के जो दायित्व दिए गए हैं उसको हम लोगों को सम्यक रूप से निर्वहन करना पड़ेगा, जो भी निर्वहन अगर नहीं करेगा तो उसके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, उसने सर ये कहा गया प्रधानमंत्री को कह दो मुख्यमंत्री को कह दो, तो इसके प्रति क्या कार्रवाई की जाएगी सर? नहीं, वो अगर कोई अशोभनीय टिप्पणी व्यक्ति करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी नियम के अनुसार। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन